तो हेलो गाइस, सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शैलेश। और दोस्तों, फाइनली सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मेडिकल कितने दिन चलेगा, कब से शुरू हो रहा है, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, तो मेडिकल कितने दिन तक चलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और अब मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मेडिकल से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। ठीक है ना, तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसको सबने ही देखा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको इस इंपॉर्टेंट कॉलम पे आपको व्यू नाउ पर फॉलो करना है। ठीक है, व्यू नाउ पर क्लिक करना है। सॉरी, रॉन्ग नंबर पे क्लिक हो गया। एक मिनट। हाँ ठीक है, व्यू नाउ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, आज की डेट है और ये पूरा कॉलम आ गया है कि रिजल्ट ऑफ पीटी पीएसटी कांस्टेबल जीडिंग एनआईए राइफलमैन डिक्लेयर बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह। ठीक है, तो पीडीएफ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करके हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो पीडीएफ हमारा डाउनलोड हो गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऊपर आप इंपॉर्टेंट नोटिस देख सकते हो। द रिजल्ट ऑफ पीटी पीएसटी कांस्टेबल जीडी इन सीआरपीएफ एनआईएसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी 2080 वाज डिक्लेयर बाय द मेडिकल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। 150,548 कैंडिडेट जो मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। ठीक है, तो इन्हें 150,548 कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है। द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ई क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी, तो आपका जो मेडिकल है वो 9 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सवाल का जवाब आपको मिल गया। बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे इस सवाल के लेकर। 9 जनवरी 2020 से लेकर 13 फरवरी 2020 तक आपका मेडिकल चलने वाला है। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल है आपका मेडिकल। ठीक है ना, 9 जनवरी 2020 से लेकर 13 फरवरी 2020 तक आपका मेडिकल चलने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट अपलोड किए गए हैं crpf.gov.in की वेबसाइट पर, जिसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। दूसरा पारा बोलता है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एडमिट डाउनलोड दियर ई एडमिट कार्ड फ्रॉम दिस लिंक अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट सेक्शन CRPF वेबसाइट। ऑल कैंडिडेट आर ऑल्सो डायरेक्ट टू बी ब्रिंग प्रिंट कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर टाइम DME। कैंडिडेट विल बी नॉट परमिटेड फॉर DME विदाउट एडमिट कार्ड। मतलब आपको बिना एडमिट कार्ड के मेडिकल सेंटर पे नहीं आना है। तो आप एडमिट कार्ड के बिना आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। ठीक है ना, द शुड ऑल्सो ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड चेकिंग बाय द बोर्ड ऑफिस। तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे चेकअप होने वाले हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन से लिए जाएंगे, उसके वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उन वीडियो को आप जरूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो कुछ नीचे कुछ एड्रेस वगैरह है, वो हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, फिर से एक बार इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेना। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है। आपको यहाँ पे अपना नाम सरनेम वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे डाल रहे हो आप, देखिए, अगर आपका 1 जनवरी को जन्म हुआ है शायद, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप डेट ऑफ बर्थ कैसे डाल रहे हो वो मुझे एक भाई ने कमेंट्स करके बताया। ठीक है, अब 1 जनवरी को आपका बर्थडे, 1 जनवरी को ये आपका जन्म हुआ है, तो आप कॉमा लगा रहे हो, फिर 1 जनवरी फिर कॉमा लगा रहे हो, फिर आप 1996 कर दे रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपका जन्म अगर 1 जनवरी को हुआ है तो फिर आपका जनवरी का महीना ही आपको फिर से ऐसा ही लिखना है। 1 जनवरी पहला ही महीना, और आपका जो अगर किसी भी साल में हुआ हो तो आपको सीधा 1996 कर देना है, बस इतना लिखना है।
तो आपकी डेट ऑफ बर्थ डालते वक्त आपको ना कॉमा लगाना है, ना डॉट लगाना है, ना स्पेस लगाना है, ना क्वेश्चन मार्क लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। बिल्कुल जैसी आपकी डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल वैसे ही लिख देनी है। और फिर नीचे कैप्चर दिया हुआ है, लिखा है देखो 2840, ये जो लिखा है ये डालना है, लेकिन आपको वो अलग आएगा, ठीक है ना। हर किसी को अलग आता है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपके एडमिट कार्ड एकदम ईजिली से डाउनलोड हो जाएंगे। आपको सिर्फ रोल नंबर आप डाल देते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ डालने में आप कुछ ना कुछ गलती करो। तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालते वक्त कुछ भी गलती नहीं करनी है। आपको पूरा जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 26/11/1996 आपका डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना। कोई भी डॉट नहीं, कॉमा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी मत करना, ठीक है ना। कुछ भी मत करना, जैसे मैंने बोला 26/11/1996, बस ऐसा लिख देना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वही लिखना, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमारा जो इस वीडियो का लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कैंडिडेट्स फेल हो चुके हैं या कट ऑफ बढ़ने के कारण मेडिकल के लिए नहीं आ सके अभी, वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं भाइयों, ठीक है, इससे रिलेटेड अभी तक मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, ना SSC ने दी है, ना CRPF ने दी है, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम जो सेकंड लिस्ट है वो जारी करेंगे या नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, इससे तो मुझे लगता है नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट पास किए हुए हैं। आपको पता है कि 60,000 वैकेंसी है, लेकिन बच्चे पास हुए हैं 1.5 लाख, ठीक है। 1,50,000 कैंडिडेट अभी भी पास हुए हैं। और अगर हम 60,000 कैंडिडेट्स को, अगर मतलब 60,000 वैकेंसी को 1.5 लाख कैंडिडेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो अभी भी 2 से 3 लोगों का कंपटीशन है एक सीट के लिए, ठीक है ना, अभी भी। तो आप सोच सकते हो कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, ठीक है। तो 60,000 कैंडिडेट्स के साथ, अगर मतलब 60,000 कैंडिडेट्स उनको भरने हैं और उन्होंने 1.5 लाख कैंडिडेट्स को पास किया है, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको वो फेल कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, सिलेक्शन करवा सकते हैं, मेडिकल में फेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में फेल कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट में, और जब फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी तब फेल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इतने बच्चे हैं उनके पास, तो वो सेकंड लिस्ट क्यों लाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप अपना किसी भी और गवर्नमेंट की तैयारी करो, ठीक है, उसमें फोकस करो। ITBP पे ट्रेनमेंट की भी एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में हो सकती है, ठीक है। और अभी CISF का वैकेंसी एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है, उसकी तैयारी करो। तो अभी देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती भी आने वाली है 2020 में, 100% आएगी। इस रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर दी है चैनल पर, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मेरी कॉन्टैक्ट जीमेल आईडी दी है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है कुछ, तो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हो, आप जब मेडिकल के लिए जाओगे तो वहाँ पे कैसी प्रोसेस हो रही है, कितने बच्चे को बुलाया जा रहा है, कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, ठीक है, सब हार्ड हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है, आपका किस सेंटर में था, और वहाँ की कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह मुझे प्लीज़ प्लीज़ यार मेरी ईमेल आईडी पर भेज देना, ठीक है ना। प्लीज़ ईमेल आईडी पर भेज देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी आपको मेरी ईमेल आईडी दे दूँगा, प्लीज़ यार, ठीक है, इतना करना। फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह मुझे मेरी जीमेल आईडी पर भेज देना, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है शायद, ठीक है। मेडिकल कब से शुरू हो रहा है मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, मेडिकल कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपके जो मेडिकल है वो 35 दिन चलने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो इतने ही दिन है, अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं बता सकता या कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो आप सबको जितने भी कैंडिडेट्स का भी मेडिकल के एडमिट कार्ड देख लिए, सेंटर आ गए हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है कुछ वीडियोस की, वो देखना, ठीक है, मेरी जीमेल आईडी वो भी देखना। और जितने भी भाइयों को एडमिट कार्ड आ गए हैं, अपनी डेट मिल गई, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक मेडिकल के लिए। और मेडिकल से रिलेटेड और 2-3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना ली है, सिर्फ अपलोड करनी बाकी है। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, ठीक है। मेडिकल से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना, आपको अच्छा लगता है तो कर देना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।